नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के किसान अब पौराणिक खेती पर देंगे ध्यान। बिहार में अब 52 बूटी साड़ी को मिलेगा GI टैग। अब घर घर जाकर लगाया जाएगा कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज। बिहार में निजी तालाबों के मालिकों की मदद करेगी नीतीश सरकार। दूसरे मैच में इमरान मलिक की दावेदारी मजबूत। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के किसान अब पौराणिक खेती पर देंगे ध्यान। बिहार के किसान आने वाले दिनों में अब पुरखों की खेती करने का तरीका आजमाने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि इस खास पहल में नीतीश सरकार उनकी मदद करने वाली है। इस पुरानी विधा में खेत और किसान के घर से निकले उत्पाद के अलावा कुछ नहीं डाला जाएगा। इतना ही नहीं, किसान ना तो रासायनिक खाद का प्रयोग होगा और ना ही कीटनाशक का प्रयोग करेंगे। कंपोस्ट का प्रयोग किसान कर सकते हैं, लेकिन बाजार से खरीद कर नहीं। उन्हें अपने पशुओं से मिले गोबर या गौमूत्र का उपयोग खाद और कीटनाशक के रूप में करना होगा। मेरी जानकारी के अनुसार नीतीश सरकार ने इस प्राकृतिक खेती को नाम दिया है। साथ ही सरकार ने 3 साल तक के लिए 31,000 हेक्टेयर का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए बिहार सरकार अभियान भी चलाएगी। आपदा में गई गाय और भैंस की जान, तो इतना अनुदान देगी बिहार सरकार। आपदा के कारण कई बार आम लोग तो हताहत होते ही है, साथ ही कई गाय और भैंस भी जान गंवा देते हैं, जिससे मवेशियों के मालिकों के ऊपर पहाड़ टूट जाता है। क्योंकि वो एक तरफ आपदा से परेशान और दूसरी तरफ उनके मवेशियों की मौत हो जाना, यानी कि दोहरी मार। इस बीच अब बिहार में आपदा से गाय या भैंस की जान जाने पर सरकार ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। आपदा के समय पशुओं और पशुपालकों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। बाढ़ पीड़ित गाय भैंस को 6 किलो चारा और सहायता मानदर के रूप में 70 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। छोटे पशुओं के लिए 3 किलो चारा और 35 रुपए की मदद दी जाएगी। भेड़ बकरी के लिए 1 किलो चारे का वितरण किया जाएगा। पशुओं की जान गंवाने पर मुआवजे को लेकर भी अनुदान की दर की सूची सभी जिलों को भेज दी गई है। दुधारू पशु जैसे गाय भैंस की मौत पर 30,000 रुपए मिलेंगे। इस दिन से बिहार में हो सकती है मॉनसून की एंट्री। बिहार में मॉनसून का इंतजार हर कोई कर रहा है, खासकर वो लोग जो इतने दिनों से तपती गर्मी का सामना कर रहे हैं, उन्हें मॉनसून का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से एक मॉनसून को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। IMD पटना की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 15 जून को बिहार में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दस्तक देने के पूरे आसार है। खबर के अनुसार बिहार में मॉनसून प्रवेश पूर्णिया से होगा। बिहार में मॉनसून 15 के आसपास अगर आता है तो पूरे बिहार में 20 जून तक मॉनसून की झड़ी लगने की संभावना है। IMD पटना के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी आशीष कुमार के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून बिहार में 15 जून को ऑनसेट होने के आसार है। और मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी में एक हफ्ते से अटके मॉनसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां तेजी से बनती हुई दिखाई दे रही है। ट्रेन में लगेंगे अतिरिक्त कोच। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पटना, सहरसा और दरभंगा से खुलने वाली 3 ट्रेनों में अस्थायी रूप से विभिन्न श्रेणी के अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला लिया है। रेलवे की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 223-53, 223-54 पटना बांसवाड़ी पटना हमसफर एक्सप्रेस में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के एक अतिरिक्त कोच लगेंगे। गाड़ी संख्या 025-63, 025-64 सहरसा नई दिल्ली सहरसा क्लोन स्पेशल में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी और शयनयान श्रेणी के क्रमशः एक एक अतिरिक्त कोच लगेंगे। गाड़ी संख्या 025-69, 025-70 दरभंगा नई दिल्ली दरभंगा क्लोन स्पेशल में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी और शयनयान श्रेणी के क्रमशः एक एक अतिरिक्त कोच लगेंगे। बिहार में अब 52 बूटी साड़ी को मिलेगा GI टैग। नालंदा की काफी पुरानी परंपरा 52 बूटी साड़ी को जल्द ही GI टैग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि बिहार के नालंदा जिला के नेपुरा गांव हस्तकरघा उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहां घर घर लोकप्रिय 52 बूटी की साड़ी तसर और कॉटन से तैयार की जाती है। इसी साड़ी को अब GI टैग देने की तैयारी हो रही है। खबर के अनुसार नाबार्ड 52 बूटी साड़ी को GI टैग दिलाने के लिए आगे आया है। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक अमृत कुमार बर्णवाल ने बताया कि 52 बूटी को GI टैग दिलाने के लिए प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि GI टैग मिलने से देश विदेश में 52 बूटी साड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, जिससे बुनकरों को सीधा फायदा होगा। कामकाजी पति पत्नी एक स्थान पर कर सकते हैं ड्यूटी। बिहार में सरकारी नौकरी कर रहे कामकाजी पति पत्नी को अब एक ही जगह पर ड्यूटी करने का मौका मिलने वाला है। इसके लिए अब उन्हें अनुमति दे दी गई है। हालांकि ये सुविधा अभी उन्हीं दंपत्ति को तबादले का मिलने वाला है जो राज्य सरकार के अधीन सेवा में कार्यरत है। मिली जानकारी के अनुसार पति पत्नी दोनों पुलिस में है या उनमें से कोई एक राज्य सरकार के अधीन दूसरी सेवा में कार्यरत है, तो उनके तबादले को लेकर बिहार पुलिस नीति निर्धारित करने में जुट गई है, जिसके तहत अब दंपति के सरकारी सेवा में होने के आधार पर एक स्थान पर उनकी तैनाती को लेकर पुलिस मुख्यालय तभी विचार करेगा जब दोनों संयुक्त हस्ताक्षर से अपना आवेदन समर्पित करेंगे। किसी एक द्वारा दिए गए आवेदन पर विचार नहीं होगा। पुलिस मुख्यालय जल्द ही पति पत्नी के सरकारी सेवा में होने के आधार पर पुलिस में तबादले की नीति को अंतिम रूप देगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दंपति में से कोई एक भी ऐसे पद पर कार्यरत नहीं है तो पति या पत्नी को तबादले का इस नीति का लाभ नहीं मिलेगा।
बिहार में अब उद्योग लगाकर जिलों को चमकाएगी नीतीश सरकार। बिहार के नीतीश सरकार बिहार में उद्योग की स्थापना करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में अब सीएम नीतीश बिहार के दो जिलों में उद्योग की स्थापना करने जा रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार सरकार भागलपुर और बांका जिले में उद्योग की स्थापना करने के लिहाज से जल्द ही इन दोनों जिलों के डीएम को जमीन चिन्हित करने का निर्देश दे चुकी है। ये जमीन आबादी से दूर होगी और उद्योग की जरूरतों को देखते हुए चिन्हित की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि जब जिलों में उद्योग लगेंगे तो रोजगार के बंपर अवसर भी खुलेंगे। गौरतलब है कि भागलपुर और बांका जिले के अधिकारियों को ऐसी जमीनें चिन्हित करनी है तो आबादी से जो दूर हो, साथ ही किसी विवाद में ना हो, साथ ही वन क्षेत्र में ना आता हो। अब घर घर जाकर लगाया जाएगा कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज। बिहार में जिस हिसाब से कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ी है, इससे स्वास्थ्य विभाग की भी नींद उड़ गई है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग ने अब वैक्सीनेशन को लेकर खास मुहिम शुरू करने की पहल की है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार बिहार में घर घर जाकर कोविड 19 से बचाव को लेकर तीसरे डोज की वैक्सीनेशन देने का काम किया जाएगा, जिसमें बड़ी भूमिका आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका निभाने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज लेने वालों की संख्या काफी कम है। ऐसे में अब जिला प्रशासन ग्रामीण इलाकों में घर घर पहुंचकर तीसरा डोज लगाएगा। प्रखंडों में पंचायत स्तर तक इसका माइक्रो प्लान बनाया गया है और इस अभियान में आशा और आंगनबाड़ी सेविकाओं की सहायता ली जाएगी। आशा और आंगनबाड़ी सेविकाएं घरों तक जाकर लिस्ट बनाएंगी कि किन किन लोगों की तीसरी डोज लेने की तारीख आ चुकी है और उन्होंने अब तक ये नहीं लिया है। साथ ही पहला और दूसरा डोज नहीं लेने वाले लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा। पीएफ खातों में ब्याज पर इंतजार की घड़ी खत्म, नौकरी पेशों के लिए जल्द आएगी खुशखबरी। बिहार में नौकरी कर रहे सभी लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से पीएफ पर ब्याज का पैसा जून अंत तक मिलने की संभावना जताई गई है। राहत की बात यह है कि इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि ध्यान रहे कि इस बार ब्याज की दर कम रहेगी। ब्याज के लिए अंशधारकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। उनके पीएफ खाते में साल 2021-22 का ब्याज जून के अंत तक मिल जाने की उम्मीद है। संगठन के पटना कार्यालय के तहत लाखों अंशधारक अपने नियोक्ताओं के जरिए योजना से हुए हैं और नियमित अंशदान कर रहे हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि ब्याज की राशि खाते में अंतरित करने का काम केंद्रीय स्तर पर होता है। बिहार में बिजली दर 10% बढ़ाने की याचिका पर फिर होगी सुनवाई। बिहार में बिजली दर बढ़ाने को लेकर इन दिनों खूब चर्चाएं हो रही है। वहीं बिहार में बिजली महंगी होगी या नहीं, इस पर जल्द ही निर्णय आने वाला है, क्योंकि बिजली कंपनियों ने लगभग 10% बिजली दर बढ़ाने की मांग को लेकर बिहार विद्युत विनियामक आयोग में दायर पुनः समीक्षा याचिका को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत अब इच्छुक व्यक्ति या संगठन 5 जुलाई के शाम 5 बजे तक विद्युत भवन स्थित बिहार विद्युत नियामक आयोग के सचिव के सामने अपना सुझाव दे सकते हैं। इस मामले में आयोग के कोर्टरूम में 12 जुलाई 2022 की सुबह 11:30 बजे सुनवाई होगी। अगर सब कुछ सकारात्मक रहा तो इस दिन याचिका पर निर्णय भी लिया जा सकता है। बिहार में निजी तालाबों के मालिकों की मदद करेगी नीतीश सरकार। बिहार में निजी तालाब मालिकों की मदद के लिए अब बिहार की नीतीश सरकार आगे आने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से मछली पालन को लेकर लोगों के बीच जागृति बढ़ी है। इसको देखते हुए उप मुख्यमंत्री और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों एवं अन्य कारणों से तालाब में गाद भराव और बाढ़ से क्षति से मत्स्य उत्पादकता और उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसे में अब चालू वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में लगभग 3 करोड़ की लागत से निजी के तालाबों के जीर्णोद्धार योजना स्वीकृत की गई है। बिहार में फिर से तेजी से बढ़ने लगा कोरोना, राजनीतिक गलियारे में हुई एंट्री। बिहार में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 44 मामलों की पुष्टि हुई है, जो इसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। इस बीच कोविड 19 की एंट्री बिहार के राजनीतिक गलियारे में भी हो गई है। बिहार के मंत्री लेसी सिंह कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। शनिवार को ही उन्होंने अपने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया था, इसमें ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इतना ही नहीं, उनकी एंटीजन जांच की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। मांझी की पार्टी ने फिर की सीएम नीतीश से मांग। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में सीट नहीं मिलने से नाराज चल रहे जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से सीएम नीतीश का दरवाजा खटखटाया है। खबर के अनुसार नजर अब राज्य के बोर्ड और आयोग के रिक्त पदों पर है। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि बतौर एनडीए के सहयोगी दल हम को कम से कम वार्ड बोर्ड आयोग में उचित हिस्सेदारी मिलेगी। पार्टी की राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दानिश रिजवान ने कहा कि राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में हमने एनडीए प्रत्याशियों को अपना मत देकर गठबंधन धर्म का निष्ठापूर्वक पालन किया है। बहुत सारे आयोग और बोर्ड में सदस्यों की जगह बहुत दिनों से खाली है। इससे पहले विधान परिषद चुनाव में हिस्सेदारी नहीं मिलने पर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने बीते गुरुवार को नाराजगी जताई थी। मुसीबत में फंसे पुष्पा राज वाले अल्लू अर्जुन, दर्ज हुआ FIR। पुष्पा फिल्म से सभी लोगों के दिल में जगह बनाने वाले अल्लू अर्जुन मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता कोठा उपेंद्र रेड्डी ने दावा किया है कि विशेष विज्ञापन जिसमें अल्लू अर्जुन के चेहरे के रूप में दिखाया गया था, भ्रामक था और गलत जानकारी दे रहा था। उनके इसी प्रचार को लेकर पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन की
भी आलोचना की है। साथ ही उन्होंने इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। उन्होंने अल्लू अर्जुन के खिलाफ विज्ञापन में आने के लिए और श्री चैतन्य शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ फर्जी जानकारी प्रदान करने के लिए अंबरपेट पुलिस में शिकायत दर्ज की। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अर्जुन विवादों में है। इससे पहले भी अल्लू अर्जुन को एक फूड डिलीवरी ऐप की मार्केटिंग को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। दूसरे मैच में इमरान मलिक की दावेदारी मजबूत। आज इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका का दूसरा T20 मुकाबला होने वाला है। हालांकि बीते कुछ दिनों से इस मुकाबले में इमरान मलिक की भूमिका को लेकर मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी, जिस पर लगभग मुहर लगती हुई नजर आ रही है। क्योंकि तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने दूसरे मैच से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि खराब गेंदबाजी के कारण हमें पहले मैच में हार मिली थी। कप्तान कुछ नहीं कर सकता, अगर गेंदबाज अच्छे प्रदर्शन नहीं करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हम वापसी करेंगे। टीम के तेज गेंदबाज के बयान से साफ है कि बड़ी चिंता गेंदबाजी को लेकर ही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज इमरान मलिक को दूसरे मुकाबले में मौका मिल सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है इंडियन सोनिया, मिथुन कुमार पंडित, रंजीत मिश्रा, कुमार गौरव, मिथुन कुमार, अखिलेश यादव, शंकर मुखिया, नुनू कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बाढ़ पूर्व की जा रही तैयारियों से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।